असल फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल्मा टेक एंड बेनिस आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से मे मज़ूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको गाही देते हैं कि नेक्स्ट ट्वेल्व वार में बी की मुमकिन हद हाँ तक सूरत हाल क्या हो सकती है ताकि बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके मार्केट में ट्रेड जनरेट करने का आइडिया आपसे शेयर किया जा सके थ्रू द सपोर्ट एंड बिजनेस सो so गाइज़ इस वक्त मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले 12 घंटों में मार्केट में जितनी भी नई क्यास आरियाँ या अथेंटिक न्यूज़ मार्केट में आई हैं सभी की आपको मैं एक सही डायरेक्शन में आगाही देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आपको मार्केट की एक एक खबर के बारे में आगाही हो जो इस वक्त के हालात के मुताबिक ट्रेड लेने से भी ज़्यादा अहम हो चुकी है क्योंकि इन्हीं खबरों की वजह से दोस्तों हमारा पोर्टफोलियो मज़ीद डाउन भी कर सकता है और पंप भी कर सकता है कोई भी दोस्त हमारा इस वक्त अगर इन खबरों पर नज़र नहीं रखेगा और इन हालात से वाकिफ नहीं होगा तो कल के आने वाले दिनों में आप कभी भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी भी अच्छे वक्त में ट्रेड करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस हमारे लिए वो वक्त लेकर आता है जब मार्केट बुरी तरह बुरे हालात में फंस चुकी होती है क्योंकि अच्छे हालात दोस्तों सभी के लिए साजगार होते हैं कोई भी उसमें अर्न कर लेता है लेकिन यहाँ पर आप आपका मार्केट में सीखना और क्रिप्टो में एक्सपर्ट होने के बहुत ही अहम दिन है सो गाइज इससे पहले हम आगे बढ़े आपने तो क्या करना है वीडियो को करना है लाइक चैनल को करना है सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा सो so गाइज इस वक्त बाजार में जो खबरों का कारोबार है वो पीक पर पहुंच चुका है और इस वक्त सबसे हैरान कन बात है कि चाहे वो इथीरियम का ओनर विटैलिक हो चाहे एस पी एफ हो चाहे सी जेड हो और अभी एक जनाब की कमी बाकी है वो है मस्क ये तीन बंदे इस वक्त मार्केट में इन्होंने ट्विटर का जो बाज़ार है वो अंत किस्म का गर्म कर रखा है और ख़बरें ही खबरें चल रही हैं सिर्फ ट्विटर की जंग चली हुई है और उसके ऊपर सारे एक्सपर्ट बने हुए हैं और उन्हीं ट्वीट्स के ऊपर ही सारा कारोबार चल रहा है किसी के पास कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं है सो so गाइस अभी जो न्यूज़ हमें लेटेस्ट मौसूल हो रही है उस पर हम बात करेंगे लेकिन आगे चल के कि एफ टी एक्स का जो मेन एड्रेस है वो जो अभी तक की जो न्यूज़ है वो हैक कर लिया गया है खैर इसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ आपको आगाही देंगे कि कौन सी एक्सचेंजेस के बारे में इस वक्त सी जेड बाइनास के जो सी ई ओ साहब हैं उन्होंने एक अलार्मिंग सिचुएशन जारी की है और मार्केट में एक ट्रेंड चल चुका है ट्विटर पर जी कि आप अपने सारे असासे बेच दो ठीक है ये ऐसा एक ट्रेंड चल रहा है और एक ऐसे भी मार्केट में बहुत ही मुस्ंद एनालिसिस हैं जो जिनका ये मानना है कि अगर किसी को लगता है कि क्रिप्टो मार्केट ज़ीरो होने जा रही है तो उसे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है सो so, मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में ही बता दिया है कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं सभी मैं आपके सामने रखूँगा फैसला होगा आपका कि आपने क्या करना है सो so, गैस कल रात से लेकर अब तक बी की सेम पोजीशन है सुबह के वक्त जब पहला ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ मार्केट फिर क्रैश हुई और जैसे कि मैं मुसलसल आपको बता रहा हूँ कि एफ़ एक्सचेंज जो कि बहुत बड़ी एक्सचेंज है जिसका शायद एशियन कंट्रीज में किसी को एहसास भी नहीं है कि यह क्या किस लेवल की बला है और कितने कॉइन मजीद इससे मुतासर हो सकते हैं उसमें मैं आपको आज इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा क्योंकि एक वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और आपको फिर उस बात का भी नहीं पता चलेगा जो मैं बताना चाहता हूँ सो गाइस उसकी प्राइस में कितनी कमी हुई और क्यों मार्केट क्रैश हुई वो मैं आगे चल करके बताऊँगा यहाँ पर दोस्तों फ़िलहाल बी टी सी और इथिरियम सेम अपने प्राइस पर आ चुके हैं और होगा क्या होगा ये दोस्तों कि अगर इसी तरह के ट्वीट्स मार्केट में आते रहेंगे तो मार्केट और ज़्यादा क्रैश कर सकती है क्योंकि मार्केट को ख़बरों से ही उठाया जाता है ख़बरों से ही गिराया जाता है मान लें सपोज अभी कोई ये खबर चल जाए कि जी एफ टी एक्स के ओनर को दस बंदे संभाला देने वाले आ गए हैं तो यही मार्केट टेम्पररी तौर पर बाईस हज़ार रुपये आ जाएगी तो ये खबरों का कारोबार है सो so गायस आगे बढ़ते हैं लिहाज़ा ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि मार्केट कोई भी रंग इख्तियार कर सकती है कुछ भी अख्तियार कर सकती है बी टी सी का लो इतना कोई ख़ास नहीं रहा टू हंड्रेड डॉलर की मज़ीद कमी को ये लो टच कर कराया है और इतनी को कह सकते हैं कि तीस डॉलर। लेकिन यहाँ पर प्रडिक्शन मार्केट में दोस्तों बड़ी हैरान कन और बड़ी ख़तरनाक वजूद हैं जिसको मैं हमेशा रिस्पेक्टिवली आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि मेरा शुरू से मानना है कि आपको दूसरों के एनालिस को भी इज्जत देनी चाहिए और यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अभी आप ट्रेड की बजाय मार्केट के हालात पर तोज्जो दें यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और अभी हम बात करते हैं दोस्तों बीएनबी -बी की बीएनबी -बी ने दोस्तों कल रात से लेकर अब तक तेरह डॉलर की ट्रेड दी टू सेवेंटी से टू नाइन्टी थ्री के दरमियान इसका ट्रेडिंग जो है विरस रही और हमारी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी दोस्तों वो थी टू से तीन डॉलर की सो so गैज़ यहाँ पर एक्सचेंजेस के टोकन पर भी एक ए, समझ लें कि ट्रेंड चल पड़ा है कि जी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो बैंक रेट होती हैं उनके बारे में तो उनके मेन टोकन गिर सकते हैं लेकिन मज़े की बात देखें कि ये खबर सिर्फ बाइनास के बारे में ही नहीं है क्योंकि जाहरी बात है ये खबरें मार्केट में मोस्टली सी जेड की तरफ से चल रही हैं ठीक है वो अपने प्लेटफॉर्म के लिए चला रहा है लेकिन क्या है कि वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि उसकी कई हुई बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता किया ही नहीं जा सकता चाहे वो मजाक में कहे चाहे वो टन होकर कहे लेकिन जिस हालात में कहे चाहे वो टसलबाजी में कहे वैसे आप एक चीज़ नोट करें वो कोई भी ट्वीट मार रहा है साथ वो एक स्माइल वाला साइन ज़रूर दे रहा है यानी कि वो मुस्कुराने से बात नहीं आ रहा और टसलबाजी में वो समझ लें कि सारे नंबर ले गया है तो यहाँ पर अब नेक्स्ट बी की दोस्तों मुझे सपोर्ट बनती दिखाई दे रही है टू सिक्सटी से दो के दरमियान उनतीस डॉलर का इसके अंदर गैप रहेगा सो so गैस यहाँ पर एक्सआरपी कारनो और डोज कॉइन मुसल स्टक हो चुके हैं पोजिशन इनकी डाउन नहीं हुई लेकिन ऑब्वियसली एफ टी एक्स का गिरना मजीद यहाँ पर इसे और ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है पॉलीकॉन मैटिक हमें आज के एक लंबे अरसे के बाद पॉइंट नाइनटी सिक्स पर देखने को मिल रहा है मुझे ऐसा लगता है कि अब इसकी सपोर्ट एंड चेंज होगी नाइनटी से वन डॉलर के दरमियान ये ट्रेड होने वाला है फर्दर डिटेल में दोस्तों पोलका पोलकाडोट एक्जैक्टली अपनी सेम पोजीशन पर खड़ा है अब यहाँ पर दोस्तों हर एक्सचेंज के बारे में एक ही खबर देखने को मिल रही है वो भी बैंक हो जाएगी वो भी बैंक हो जाएगी वो भी मतलब कोई एक्सचेंज नहीं बची ठीक है मैं आपको अभी बता देता हूं कोई एक्सचेंज नहीं बची कि सभी के बारे में यही खबर चल रही है ट्विटर भर गया है और जिसके मुंह में जो बात आ रही है वो करी जा रहा है मैं नहीं चाहता कि आप इन बातों को इग्नोर करें लेकिन ऐसा चल रहा है लेकिन एक ही एक्सचेंज है जिसके बारे में ये खबर नहीं है वो बायनास है और आप खुद समझदार हैं कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरफ से खबरें आ रही हैं सो गाय साहब बात करते हैं सोलाना की सोलाना की प्राइस में इंटरलिंक दो चीज़ें हैं तो एक सोलाना की अपनी प्राइस एक सोलाना का इफेक्ट होना कहाँ से एफ से तो अभी आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सोलाना कल रात को जब हमने डिस्कस किया तो ये 16.15 पे था 16.15 पॉइंट फिफ्टीन पे और तब से लेके ये अब तक इसकी जो वर्थ आ, आ, डाउन हुई है वो है पॉइंट सेवन सेंट अच्छा पॉइंट सेवन सेंट इसकी पर बर्थ डिस्टर्ब हुई है और उधर एफ टी एक्स की कितनी हुई है वो मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा और ये जो हाई आप देख रहे हैं ये कल तक जैसे मैं आपको पहले भी गाइड कर चुका हूं कि ये इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा सो so गाइज आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मजीद अभी हम देख रहे हैं कि यूनि स्वैप जो कल सिक्स पॉइंट ट्वेंटी का हाई लगा चुका था आज सुबह इसने लो लगा दिया फाइव पॉइंट थर्टी का और इसको भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पहुंचा आज एफ के डाउन करने पे फर्दर डिटेल में दोस्तों एल ने दो डॉलर की ट्रेड जनरेट की लेकिन यहां पर प्रोडिक्शन वाइज हम देख रहे हैं कि एफ ही रिकवर कर रहा है देन अदरवाइज एव की पोजीशन एक्स्ट्रा वीक हो चुकी है तो मैं कहूंगा कि दोस्तों आपने अभी मार्केट से हाथ उठा के रखना है जब तक वेदर क्लियर नहीं होता जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमें हर सूरत मार्केट के क्लियर होने का वेट करना पड़ेगा एक तरफ हमारे पास ये न्यूज़ है कि जी मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी लेकिन ये क्रैश लंबा भी हो सकता है मेरी ऐसी जाती राय है कि ये क्रैश ये जो सिचुएशन और इसके ऊपर आते हुए ट्वीट हैं ये इसको बहुत प्रोलोंग कर सकते हैं अब लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए हमें और अच्छे रेट भी मिल सकते हैं जैसे कि अगर हम अभी लॉन्ग टर्म बाइंग कर लेते हैं बी सी एच को सौ डॉलर का लंबे अरसे के लिए बाय कर लेते हैं हमें पता चले कि बारह घंटों बाद या चौबीस घंटों बाद बी सी एच सत्तर डॉलर पर चला गया है तो हम सोचेंगे यार हमने सत्तर डॉलर पर बाय कर लिया होता तो इस इस टेन्योर में हमें अपने सरमाए को हर सूरत सेव करना है जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस मार्केट में या क्रिप्टो की मार्केट में जब तक ये रेगुलेट भी नहीं हो जाती आपने अपनी आमदनी का सिर्फ एक नॉर्मल हिस्सा मतलब अगर आप मंथ के पाँच दस हज़ार भी सेव कर लेते हैं तो आप उसमें से कोई थोड़ी रकम स्लो बाय स्लो इस मार्केट में ट्रेड के लिए जनरेट कर सकते हैं अभी के जो हालात हैं यहाँ पर आपने सीखना है मेरी ऐसी जाती राय है कि आप इस मार्केट से जितना अब सीख सकते हैं आने वाले वक्तों में इससे ज्यादा अच्छा वक्त जो है आपको नहीं मिलेगा सीखने का क्योंकि जब मार्केट पंप हो जाएगी तब आपको लगेगा कि जी सारी दुनिया अर्न कर रही है तो मैं भी अर्न कर लेता हूं सो गैज यहां पर हम देख रहे हैं कि ओ OK बी ने आज अपनी दो डॉलर नेटवर्थ डाउन की है अब यहां पर आकर एक शवाहिद मिलते हैं कि थोड़ी थोड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है इसके ट्वीट के बाद लोग यहाँ से निकल रहे हैं अब उन लोगों के निकलने की वजह दोस्तों ये ट्वीट बहुत है क्योंकि पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है क्योंकि सॉरी इसमें अपने आप को मत ले आइएगा क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन का सिलसिला है वो बहुत कम है और जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो इतना ज़्यादा कोई ट्विटर को यूज़ नहीं करते आप जाकर गूगल करके देखें आपको पता चल जाएगा कि कि ट्विटर यूज़ करने वालों की टोटल तादाद कितनी है आप हंसेंगे हैरान होंगे और जितने भी वहाँ पर यूज़ करते हैं वो भी वहाँ पर ज़्यादातर टसलबाजी में उसकी यूज को इस्तेमाल करते हैं सो so गैस ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त वो है कि मज़ीद एक्सचेंजेस यहाँ पर कितनी डाउन कर सकती हैं अब आप देखिए कि कुकॉइन भी कल से तकरीबन साठ से सत्तर सेंट एक कॉइन अपनी पोजीशन डाउन कर चुका है लेकिन यहाँ पर हमें दूसरी तरफ इंतज़ार है कि बी भी तो गिर रहा है अब यहाँ पर जॉइंट कनेक्शन बी के साथ है ये चीज़ कोई इस वक्त याद रहे सो so गैस आप बात कर लेते हैं एफ टी एक्स टोकन से रिलेटेड जितनी भी खबरें मार्केट में आई हैं और इसके इम्पैक्ट से और जो आज के आज बायनास के सी ई ओ ने जो ट्वीट किया है उस पर भी मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ और साइड पर उन्हीं के यहाँ पर दोस्तों में राइट साइड पर आप स्क्रीन की स्टिकर्स देख सकते हैं सो so गैज सबसे पहले बात करते हैं कि आज सुबह जो कोई कसर बाकी रह गई थी वो भी पूरी हो गई है कि एफ टी एक्स का जो अपना एड्रेस था यहाँ पर हैक कर लिया गया है जिसके बाद और कोई कसर जो मुझे नहीं लगता बाकी रह गई है कि क्या पता कोई कुछ और ही देखने को मिल जाए यहाँ पर कोई भी ख़तमी शक्ल हम करार नहीं दे सकते लिहाजा दोस्तों इससे रिलेटेड इम्पेक्ट होने वाली काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा यहाँ पर आज सुबह इसके प्राइस वन डॉलर तक चले गए जिसका इम्पेक्ट फिर से सोलाना पर आया जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में किया था दोस्तों और उसके बाद हमने देखा कि इसने फिर से 30 सेंट की रिकवरी की अब कल रात से लेकर अब तक अगर इसके प्राइस की बात करें दोस्तों तो यह 2.69 सेंट से अब कम होकर 2.30 पे आ गया है जैसे कि मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि ये एक काइंड ऑफ स्लो पॉइजनिंग है अगर ये एक दफ़ा ही हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था लेकिन यहाँ पर यह वक्ता फ़वक्ता टूट रहा है इस हैक के बाद दोस्तों और ज़्यादा मार्केट में इम्पैक्ट आया है और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में हमने एक नई खबर देखी कि जी नई एक्सचेंजेस जो हैं यहाँ पर एक ट्विटर अकाउंट है बहुत यानी कि मुस्त ख़बरें यहाँ पर शेयर करता है डर मीडिया डॉट कॉम ठीक है वो यहाँ पर दोस्तों बता रहे हैं आप स्टिकर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत सी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो यहाँ पर बैंक्रप्ट हो सकती हैं जैसे कि मैं आपसे यहाँ पर शेयर करता हूँ जिनमें टॉप पे दोस्तों नाम बताया जा रहा है बिटफिनिक्स क्रिप्टो डॉट कॉम कोकवाइन ओके एक्स होबी ग्लोबल और क्रैकन यानी कि कोई एक्सचेंज नहीं छोड़ी गई अच्छा ये डर्टी मीडिया ने ये दोस्तों जो आज ट्वीट चलाया उसके बाद से कई यानी कि जगहों पर आपको पूरे यूट्यूब पे फेसबुक पे ट्विटर पे एक ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है जी कि अपने अब आपके फ़ंड सेफ़ नहीं है अब अपने अपने फ़ंड निकालो अकाउंट में डालो तो दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी अपनी ज़ीती राय है क्योंकि फ़ंड अगर आप ट्रांसफ़र करते भी हैं तो कई लोग तो आज ट्रस्ट वालेट को बैठ के रो रहे होते हैं आप में से कई दोस्त होंगे जिनके ट्रस्ट वालेट से जो जो फंड हैं वो आज तक जो है उनको दोबारा मिल नहीं सके वहाँ से गायब हो गए और इसकी दोस्तों ये डर्टी मीडिया ने ये यहाँ पर ये खबर क्यों चलाई उसका भी अब मैं हाल आपको बताता हूँ यानी कि उसकी वजह बताता हूँ ये दूसरा स्टिकर देखें आप वीडियो पर कि यहाँ पर बाय ना सी ने कह दिया कि और बहुत सी एक्सचेंजेस हैं जो सेम पैटर्न पर काम कर रही हैं ठीक है थीके? और उनका भी यही हाल होने वाला है अच्छा ये ट्वीट आने की देर थी ये दोनों ये सारी चीज़ें बल्कि आपस में इंटरलिंक हैं और आप देखें दोस्तों कि बाइनास के सीईओ ने टैग किसको किया है एफटीएक्स को और और एक्सचेंजेस की उसके कहने की देरी थी तो डर्टी मीडिया बबल ने क्या किया इन एक्सचेंजेस का बकायदा नाम लेकर कर मुखातिब कर दिया अब आप इन एक्सचेंजेस का नाम लेने पर और इन दोनों की आपस में टाइमिंग नोट करें इनकी टाइमिंग आते ही मार्केट में इन टोकनस के जो मेन नेटिव टोकनस हैं इन एक्सचेंजेस के वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गए ठीक है आप देख रहे हैं कि ओके एक्स इस ट्वीट के बाद ओके एक्स का जो अपना टोकन है ओ बी वो दो डालर गिर गया और कोकवाइन जो है उसमें तकरीबन पच्चीस सेंट की कमी आ गई तो ऑब्वियसली अब बिहाइंड द स्क्रीन दोस्तों क्या चल रहा है क्या होता है ये कोई नहीं जानता यहाँ पर फिलहाल किसी हद हाँ तक ये बात तो साबित हो गई कि एफ टी एक्स जो बर्बाद हो रहा था इसको मज़ीद बर्बाद करने में किसी हद हाँ तक यहाँ पर सी की पॉलिसी थी उसने इसको टाइम देकर बाद में अपना वादा इंकारी करके इसको बहुत ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को दोस्तों नुकसान पहुँचाया तो अब तक की दोस्तों ये खबर थी जो मैंने अब तक कन्वे की है कि ये एक्सचेंजेस जो हैं इनको इसमें हिट करने का नाम लिया जा रहा है जिसकी वजह से सारी दुनिया इस वक्त एक ही ट्रेंड के पीछे पड़ गई है कि अपने जो आपके फंड्स हैं वो आप किसी और वॉलेट में सेव कर लें जबकि आप भी जानते हैं कि उसकी फीस बहुत ज्यादा रहती है ऐसे कामों के लिए अब बढ़ते हैं दोस्तों बीटीसी और के की तरफ नाउ so बी आर ऑन द चार्ट बीटीसी बीटीसी की प्राइस सेम अपनी पोजिशन पर रजिस्ट कर रही है अभी और इसमें अभी तक जो मार्केट की प्रडिक्शन चल रही है वो दोस्तों मज़ीद क्रैश की हैं मैं आपको बता दूं कि किसी की ज़ुबाँ पर ये अल्फाज नहीं है कि ये मज़दीद क्रैश नहीं करेगा लिहाजा मेरी जो अपनी ज़ाती प्रोडिक्शन है पिछले काफ़ी दिनों से वो पंद्रह हज़ार की है अभी तक की और जो कल मैंने आपको बी टी सी की सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की थी वो इंटरनेशनल प्रोडिक्शन है इस वक्त तेरह हज़ार डॉलर की अब तक की सूरत हाल के मुताबिक और याद रखिएगा कि ये चेंज भी हो सकती है यहाँ पर दोस्तों हम फुल डे कैंडल चार्ट में मुसलसल डाउन ट्रेंड आता देख रहे हैं द स्क्रीन चलते हैं अच्छा याद रखिएगा मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये हमारी जो प्रोडिक्शन होती है ये 12 घंटों की होती है और आजकल मार्केट के हालात देखते हुए ये 95 फाइव परसेंट रिस्की हो चुकी है और दूसरी जानब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं यूट्यूबर इंटरनेशनल यूट्यूबर हैं बल्कि अमेरिकन यूट्यूबर हैं वो यहाँ पर अपना एक आज ट्वीट करते हैं बाकायदा बड़ा जबरदस्त और एक मैसेज चलाते हैं और अपनी वीडियो चलाते हैं उनके सब, अगर आप सब्सक्राइबर देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे आई थिंक छः से सात मिलियन उनकी इस वक्त फ़ैन फॉलोइंग है उनका कहना है कि जो शख्स इस वक्त क्रिप्टो की क्रिप्टो की इंडस्ट्री को इस नज़र से देख रहा है कि ये ख़त्म होने जा रही है ज़ीरो होने जा रही है तो उसको यहाँ पर इल्म हासिल करने की ज़रूरत है क्योंकि उसकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कमी है तो आप अगर इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझते हैं तो आप अल्ट कॉइन को जाकर फॉलो कीजिएगा ये यह यहाँ पर बहुत ही मुस्तनद न्यूज़ हमेशा मार्केट में शेयर करते हैं सो so गायज यहाँ पर बी के प्राइस में डाउन ट्रेंड आता दिखाई दे रहा है जो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक साथ जो तीन कैंडल बनी है ये अगली कैंडल बे बिरिश बन रही है जो बी के अंदर तकरीबन सत्रह डॉलर तक का क्रैश लेकर आ सकती है ये देखें और अभी हमें यहाँ पर अपनी ट्रेड हर सूरत रोकनी पड़ेगी हर तरह की ट्रेड क्योंकि ये क्रैश बिल्कुल प्रीपेड है तैयार है किसी भी वक्त मार्केट ड्रॉप डाउन कर सकती है और कम बैक के चांसेस यहाँ पर सिर्फ आज के दिन के लिए यानी कि 12 घंटों की बात कर रहा हूँ सिर्फ 5 परसेंट होंगे कि ये दोबारा अपने प्राइस पे आ जाए यानी कि 16,740 पे मार्केट खली है 16,740 पे यहाँ से सीधा 1700 डॉलर क्रैश कर सकती है 100 परसेंट और रिकवरी के चांस सिर्फ 5 परसेंट हो गए कि ये दोबारा 16,200 पे या 15,900 पे आ गई तो इसके चांसेस 5 परसेंट हो गए ये चीज़ आज आपने जहन में रखनी है और अपनी ट्रेड को आज कंट्रोल रखिएगा ये अब तक की ट्वेल्व और की न्यूज़ है मेरी जानब से इसे अपने जेहन में रखिएगा अब बढ़ते हैं दोस्तों थीरियम की तरफ तो कैद यहाँ पर इथेरियम की भी सूरत तकरीबन सेम हो चुकी है यहाँ पर इसमें 18 डॉलर की इसकी वर्थ में कमी हुई है नई कैंडल यहाँ पर जो बन रही है वो बिरिश मारू बूजू है डाउन शेडो के साथ अब बढ़ते हैं फोर ऑवर की कैंडल चार्ट की तरफ और फोर ऑवर में दोस्तों हमें कुछ ज़्यादा तब्दीली देखने को नहीं मिल रही इसकी जो नेक्स्ट अभी जो फ्रेश बिल्कुल फोर ऑवर की कैंडल बन रही है वो भी है बिरिश मारू बूजू लेकिन उसका शेडो ओपन नहीं है दिस इज़ द लास्ट होप अच्छा अब याद रखिएगा मैं फिर आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं बिल्कुल आसान आपने एफ टी एक्स टोकन पर नजर रखनी है यानी कि एफ टी टी टोकन पे एफ टी टी आज एक डॉलर पे जाता है तो मार्केट को धचका लगेगा दिस इज द मेन रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूँ हमारी नज़रें उसके जीरो होने पे होनी चाहिए क्योंकि वो उस तरह से एकदम से जीरो नहीं हो रहा हर सेशन में कोई ना कोई खबर आ रही है हर सेशन में कोई ना कोई, कोई खबर आ रही है तो मार्केट को दोस्तों मैं अभी तक फिलहाल संभलता नहीं देख रहा जब तक के एफ टी एक्स का यहाँ पर मुकम्मल तौर पे ज़ीरो नहीं हो जाता क्योंकि देखिए फिर भी दो डॉलर में मेरे नज़दीक एक ख़त्म होते हुए कॉइन की बहुत बड़ी वैल्यू है अच्छा आप बढ़ते हैं थीरियम की जाने तो दोस्तों आज ये अभी चार आर की कैंडल में अपना ट्रेंड नहीं बना रहा ट्रेंड तो नहीं बना रहा लेकिन यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है बिरिश की तो ये डायरेक्ट इसके अंदर सौ डॉलर का क्रैश लेकर आ सकती है हंड्रेड डॉलर का और हंड्रेड डॉलर के इस क्रैश के साथ मुझे लगता है दोस्तों आज मैटिक कॉइन डिस्टर्ब हो सकता है अगर इसमें हंड्रेड की कमी आएगी तो मैट्रिक मैटिक जो है वो सत्तर सेंट तक का लो लगा सकते हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि मैटिक का किसी हद तक ताल्लुक एफ टी एक्स एक्सचेंज के साथ है आज जब मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं तमाम टोकन वो बताऊंगा जो इस वक्त एफ टी एक्स के साथ कनेक्टेड हैं जिनको चोट लग सकती है क्योंकि वो बड़ी लंबी लिस्ट है तो यहाँ पर मुझे मैटिक की दोस्तों यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि मैटिक जो है एफ़ टी एक्स की एक्सचेंज पर बहुत ज़्यादा बाय हो चुका है तो वहाँ पर भी जब वहाँ पर उसे सेल किया जाएगा तो मैटिक के प्राइस यहाँ पर गिर सकते हैं सो सोगाइ थीरियम को हम आज 100 डॉलर तक मसीद लो आता देख रहे हैं और रिकवरी के चांसेस इसके भी 5 परसेंट हो गए और अगर ये यह यहाँ से पम्प करता है तो इट्स अ गिफ्ट फॉर यू सपोर्ट एंड बिजनेस में आपसे इसकी शेयर कर देता हूँ इथीरियम की दोस्तों जो रिसेंट सपोर्ट है ये देखें जो रिसेंट सपोर्ट है यहाँ पर जाकर बनी है और वो बनती है करीब एक डॉलर थाउजेंड तक ये फिर अगर नहीं अपनी सपोर्ट बना पाता तो ये नया लो लगाएगा थाउजेंड एटीजन में रखिएगा और रिकवरी ऑब्वियसली आपके सामने होगी सो गाइस नेक्स्ट अपडेट तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़